प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 12 सीटों पर मतदान जारी है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने 12 सीटों पर मतदान के लिए 23,783 मतदान केंद्र बनाए हैं। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से भय मुक्त होकर वोटिंग करने की अपील की है। आपको बता दें कि प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान में 12 सीटों पर 2,31,79,623 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने औसत 970 मतदाताओं पर एक मतदान बूथ बनाया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक बूथ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष जाब्ता तैनात किया गया है और इन बूथों से वेबकास्टिंग भी की जा रही है। लोकसभा चुनाव के तहत प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी है और आपको बता दें कि 11 बजे तक 29.63% मतदान प्रदेश में हो चुका है। गंगानगर की बात करें तो 31.99%, बीकानेर में 28.37% मतदान हुआ है। साथ ही झुंझुनू में 28.43%, तो सीकर में 30.07% मतदान हुआ है। जयपुर ग्रामीण की अगर बात करें तो 29.68% मतदान हुआ है, तो वहीं जयपुर शहर में 29.43% मतदान हुआ है। अलवर की बात करें तो अलवर में 30.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। वहीं भरतपुर की बात करें तो 29.30% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। करौली धौलपुर सीट पर 27.51% लोगों ने वोट किया है। दौसा में 29.97% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो वहीं नागौर की बात करें तो 31% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह 11 बजे तक का लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। 11 बजे तक पूरे प्रदेश में दूसरे चरण के तहत लगभग 30% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे न्यूज हेड नीरज मेहरा जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, क्या कुछ अपडेट है? दूसरे चरण का मतदान लगातार प्रदेश में जारी है, 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। जिस तरह से सुबह से ही मतदान के प्रति लोगों का रुझान से साफ है कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं और अब तक 30% से ज्यादा मतदान हो चुका है। सर्वाधिक मतदान जो है गंगानगर में हुआ है, लगभग 32% मतदान हो चुका है और सभी जगह से अच्छे रुझान मिल रहे हैं। जिस तरह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की बड़ी बड़ी कतारें देखी गई है और लोग सोच रहे हैं कि दोपहर होने से पहले पहले, जैसे जैसे दोपहर होगी तो शायद हो सकता है 2 बजे से 12 बजे के बाद में ये 2 बजे तक के मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 3 बजे बाद फिर प्रतिशत बढ़ेगा। फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो खुशखबर आप कह सकते हैं, क्योंकि लोग सवेरे से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे, उन्होंने मतदान किया बढ़ चढ़कर और ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा हो। सबसे जो सर्वाधिक जो गंगानगर है वहां पर 32% ज्यादा मतदान हो चुका है। बीकानेर में भी 28% ज्यादा हो चुका है। चूरू में 29% ज्यादा हो चुका है। झुंझुनू में आपके 29% हो चुका है। सिक्कर में 30% मतदान हो चुका है। तो कहीं का भी जयपुर सिटी में भी 30% के लगभग मतदान हो चुका है। तो आप मान सकते हैं कि लोगों को मतदान के प्रति जोश है और इसके लिए आप निर्वाचन आयोग को, टीवी चैनल्स को, मीडिया के अन्य माध्यमों को भी जिम्मेदार बता सकते हैं कि लोगों में जागरूकता आई है। जी आशीष, पहले लोग 30% मतदान 2-3 बजे तक होता था और उसके बाद फिर धीरे धीरे 40-45% मतदान बड़ी मुश्किल से हो पाता था, लेकिन जिस तरह से अभी 12 बजने में भी कुछ समय बाकी है और तब तक भी 30% मतदान हो चुका है, इसका मतलब है कि ये मतदान का प्रतिशत जो है 62-70% के बीच जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं से भी किसी तरह की कोई घटना का इसकी सूचना नहीं आई है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। दो चरणों में मतदान होने का फायदा ये हुआ कि जो अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है जी, वहां से भी किसी तरह की सूचना नहीं आई है कि वहां पे कोई घटनाक्रम हुआ हो, तो ये भी अपने लिए, प्रदेश की सरकार के लिए, निर्वाचन विभाग के लिए खुशखबर है कि कहीं अनहोनी की खबर नहीं है कहीं, क्योंकि नहीं तो मतदान को लेकर कहीं पर मारपीट और कहीं पर बूथ कैप्चरिंग जैसी स्थितियां सामने आती थी, लेकिन अभी इस बार अति संवेदनशील
मतदान केंद्रों से भी ऐसी सूचना नहीं आई है। इसका मतलब साफ है कि मतदान अपनी रफ्तार से चल रहा है जी। और लोगों में एक रुझान है जी। अब ये रुझान सरकार के खिलाफ है, सरकार के पक्ष में है, ये तो मतगणना के बाद ही पता लग सकेगा, लेकिन फिलहाल मतदान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं अपने अपने दावे कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतदान उनके पक्ष में जा रहा है और मतदान उनके पक्ष में जा रहा है। देखना ये कि मतदाता किसके पक्ष में जा रहे हैं, ये तो मतगणना के बाद ही खुलासा हो सकेगा जी। बिल्कुल, तो इस बार लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल की है, अनूठा प्रयोग किया है कि सुबह 7 बजे से मतदान का समय किया है और शाम को 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। तो जो 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, तो 11 बजे का जो रुझान अपन देख पा रहे हैं 30%, तो इसमें कहीं ना कहीं जो समय बढ़ाया गया इसका भी बड़ा रोल है। मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और जिस तरह का भीषण गर्मी यहाँ पड़ रही है, 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अपने राजस्थान के कई जिलों में होता है जी। तो ये सवेरे जो मतदान हुआ है 7 बजे से, उसी का नतीजा है कि जो मतदान जो है 11 बजे तक 30% तक पहुंच गया। वरना अगर 8 बजे शुरू होता तो आप समझते फिर वो मतदान प्रक्रिया शुरू होने में लगभग आधा घंटा तो वैसे ही चल जाता है और अब 2.5 घंटे का मतदान ही हो पाता, लेकिन अब लगभग 3.5-4 घंटे का मतदान हो चुका है। तो ये इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा जी। और लोग जो गर्मी की वजह से किसी अन्य कारणों से मतदान केंद्रों पर, क्योंकि बहुत सारे मजदूरी पैसा लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि 8 बजे अगर वो मतदान की लाइन में लगेंगे तो 9 बज जाएंगे, उसके बाद वो काम नहीं कर पाएंगे, या को खेत खलिहान में जाने वाले आदमी होते हैं वो भी फिर लापरवाही कर जाते हैं। लेकिन जब उन्हें लग रहा है कि सवेरे 7 बजे वोट डालना, तो आप समझ सकते हैं 6:30 बजे से मतदान केंद्रों पर लाइनें लग गई जी। तो इसका नतीजा ये कि मतदान प्रतिशत अच्छा होगा और जैसे शाम को भी समय बढ़ाया गया है उसका भी लाभ मिलेगा। आप देखना कि रात तक ये चीजें अपडेट होती रहेगी, क्योंकि मतदान केंद्रों पर जो लोग 5 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, काम तो वो मजदूरी करते हैं, वो लोग हो सकता है अपना ड्यूटी हावर्स खत्म करने के बाद 5 बजे मतदान केंद्रों पर पहुंचे, क्योंकि उनको समय मिल गया 5 से 6 बजे का समय। और जो मतदान केंद्र के अंदर चला जाएगा चाहे 7 बजे चाहे 8 बजे, मतदान टीम को वोट लेना ही पड़ेगा, उनको वोट कास्ट कराना ही पड़ेगा जी। तो इससे मतदान प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा और ये नतीजे वाकई में इस बार चौंकाने वाले होंगे जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों का उत्साह नजर आ रहा है और पूरे प्रदेश भर में 11 बजे तक 30% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं।